अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं किचन विद सबा यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है कुछ बहुत स्पेशल। आज मैं बना रही हूँ चर्सी कढ़ाई। चर्सी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 kg मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। 7 से 8 टमाटर लिए हैं। टमाटरों को दरमियान में से मैंने कट लगा दिए, छिलका रिमूव नहीं किया मैंने इनका। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची ली है जिन्हें मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं चर्सी कढ़ाई। मैं एक कढ़ाई लिए, कढ़ाई में मैंने 1/2 कप घी लिया है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं मटन डाल दूंगी। मटन डाल दिया मैंने कढ़ाई में। अब हम मटन को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ मटन को अच्छे से मैंने भून लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक को कुक करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट में कुक हो जाता है। हमने इसे ब्राउन नहीं करना या गोल्डन नहीं करना, बस इसे हल्का सा गोश्त के साथ भूनना है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत कम चीजों से बन जाती है और ये कढ़ाई बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही मजे की होती है। आप इसे दावतों में बना सकते हैं, वैसे भी आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी और कवर करके रख दूंगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। यहाँ गोश्त को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से गल गया है। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डाल दिए मैंने सारे इसमें। अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। एक से दो मिनट हम टमाटरों को भूनेंगे गोश्त के साथ। दोबारा से मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इनका छिलका रिमूव कर देंगे। सारे टमाटरों का छिलका रिमूव कर देंगे। सारे टमाटरों का छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे टमाटरों को भूनेंगे, इनका पानी ड्राई होने देंगे। सारे टमाटरों को मैंने एक साइड पे कर लिया है। अब हम टमाटरों को मेल्ट करेंगे अच्छे से। यहाँ टमाटरों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें काली मिर्च और नमक डाल देंगे। मिक्सिंग करेंगे अच्छी सी मसाले के साथ। कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखाती हूँ। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूंगी और अदरक डाल देंगे इसमें। ये है चर्सी कढ़ाई की फाइनल लुक। बहुत मजे की कढ़ाई बनती है ये वाली और बहुत इजी रेसिपी है। ये है पिशावर की मशहूर चर्सी कढ़ाई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।